का इंतजार करना चाहिए और जो लीगल हुए है उसके जरिए ईडी को जवाब दिया जा रहा है, कोर्ट में जवाब दिया जा रहा है। देखिए, कोई लुका छुपी नहीं है, हमने हर बार ईडी के समन्स का जवाब भी दिया है और अल्टीमेटली फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोर्ट जा चुकी है। कोर्ट में पिछली तारीख 17 फरवरी थी जिस पर अरविंद केजरीवाल जी पेश हुए थे वर्चुअली, और अगली तारीख 16 मार्च है, उस पर भी पेश होंगे। हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं और कोर्ट जो भी कहेगा हम वो करेंगे, और ईडी को इंतज़ार करना चाहिए था अब ये केस का नतीजा आने तक, तो ये गलत समन है। आप तो एडवोकेट भी हैं, ईडी जब फिर अदालत जाती है समन पे नहीं प्रेजेंट होने को लेकर तो 24 के तहत मामला दर्ज होता है। देखिए, वही कानून के तहत ऑलरेडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट कोर्ट जा चुकी है हमारे खिलाफ, ऑलरेडी अरविंद केजरीवाल जी पेश हो चुके हैं 1 तारीख पर वर्चुअली और आगे भी पेश होंगे। कोर्ट जो भी कहेगा हम उसका पालन करेंगे, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को भी इंतज़ार करना चाहिए इस केस का, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने डाला है उसका नतीजा आता है, उस नतीजे के हिसाब से काम कर लेंगे।